साहिल अगले दिन कॉलेज जाता है। अब ठीक हो तुम? हाँ। चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में जाने लगते हैं, तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ सिमरन का पोस्टर आधा फटा हुआ चिपका था। ये पोस्टर इलेक्शन टाइम का था। उस पोस्टर के सामने खड़े होकर दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। इसकी कहानी भी अजीब ही रही, हवा के झोंके की तरह आई और ना जाने एक दिन कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं। सही कह रहा है यार, साहिल तो सिमरन से प्यार करता था लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कि अचानक से ये कहाँ चली गई। हाँ, वो बेचारा भी कितना गुमसुम हो गया है इसके जाने के बाद। चल क्लास में चलते हैं। साहिल और सौम्या ये सब सुन रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्लास में चले जाते हैं। तभी हमारी नजर उस पोस्टर पर पड़ती है जहाँ सिमरन की परछाई रो रही थी। साहिल और सौम्या क्लास में पहुँचते हैं जहाँ उनकी टीचर पहले से पढ़ा रही होती है। तभी साहिल टीचर के पीछे सिमरन की रोती हुई परछाई दिखती है और उसके कानों में हमारी अधूरी कहानी गाना गूंजने लगता है। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। साहिल, व्हाट हैपेंड? मैम, वो टीचर पीछे पलटकर देखती है लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता, पर साहिल को लगातार सिमरन दिख रही थी। वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने घर पर आकर रुकता है। क्या हुआ बेटा? वो उनके गले लग जाता है। हुआ क्या है बेटा, ये तो बताओ। साहिल उनसे अलग होकर घर में भगवान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर में वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है जहां अतीत का समंदर फिर उसे अपने साथ बहा ले जाता है। सिमरन को दो लोग किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। दूसरी तरफ जब सौम्या घर पहुंचती है तो उसे वहां सिमरन नहीं मिलती। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आती तो वो साहिल को फोन मिलाती है। हेलो। हेलो साहिल, सिमरन तेरे साथ है क्या? नहीं तो, आज तो वो कॉलेज से जल्दी ही निकल गई थी। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। क्यों, क्या हुआ? रुको, मैं भी उसका फोन ट्राई करता हूँ। साहिल उसका फोन काट कर सिमरन का फोन ट्राई करता है लेकिन काफी बार ट्राई करने पर भी फोन नहीं उठता। वो फिर से सौम्या को फोन करता है। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इतनी बार फोन करने के बाद भी पिक नहीं हुआ। मुझे भी टेंशन हो रही है। खैर, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, तू भी यहीं आ जा। ठीक है। साहिल सौम्या के घर आ जाता है। सौम्या भी तब तक अपने पापा को सब बता देती है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अपनी टीम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, मैं खुद भी जा रहा हूँ। लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि उसने तुम लोगों को कुछ बताया था कि कहाँ जा रही है? नहीं अंकल, उसकी क्लास आज जल्दी खत्म हो गई थी तो इसलिए वो घर जल्दी जाने के लिए कह रही थी। कहीं उसके परिवार वालों ने तो कुछ? मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर तुम लोग चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। सौम्या के पापा सिमरन को ढूंढने चले जाते हैं। साहिल और सौम्या भी उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में सिमरन कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। आखिर कौन हो तुम लोग और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आवाज आती है। अच्छा, हम कौन है? इतनी जल्दी भूल गई हमें तू? वो आवाज सुनकर सिमरन के होश उड़ जाते हैं। सिमरन के दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता? शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन तू भी तो हमारी बात नहीं समझती। तू हमें वो वसीयत दे दे, फिर हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, हमें भी ये सब करना कहाँ अच्छा लगता है। तू हमारी बात मान ले, फिर हम भी तुझे अच्छे भाइयों की तरह शादी करके विदा कर देंगे। वो दोनों हंसने लगते हैं। सिमरन उन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देखती है। इतना लालच, छी, अपना हिस्सा मिलने के बाद भी ये हरकतें। अरे भाई तो बहन के रक्षक होते हैं लेकिन आप लोग तो भक्षक से भी गए गुजरे हो। हम यहाँ तेरा कोई भाषण सुनने नहीं आए, समझी? सीधे सीधे हमें वो वसीयत दे दे, वरना हमें अपनी बात मनवानी आती है और ये तो अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ सौम्या के पापा साहिल और सौम्या कॉलेज के आसपास पूछताछ करते हैं। एक छोटे से दुकानदार ने सिमरन को किडनैप होते देखा था। उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था लेकिन डर की वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं गया। सौम्या के पापा के पूछने पर वो उन्हें सब बताता है और गाड़ी का नंबर भी दे देता है। अब देखना, बहुत जल्द सिमरन का पता चल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर लोकेशन ट्रेस करने के लिए भेज दिया है। भगवान करे सिमरन ठीक हो। डोंट वरी, सब ठीक होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो वसीयत आप लोगों को नहीं दूंगी।
मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन अपने दादाजी और पिता की मेहनत की कमाई मैं से गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, अभी तक हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे थे। आखिर कुछ भी हो, है तो तू हमारी बहन ही, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं है। शायद तुझे भी तेरे माँ बाप के पास ही पहुँचाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगी तू। वो सिमरन पर बंदूक तान देता है, तभी सौम्या के पापा साहिल और सौम्या के साथ आ जाते हैं। उनकी पुलिस फोर्स भी बाहर आ जाती है। अगर गोली चलाने की कोशिश भी की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बंदूक नीचे करो अपनी। वो दोनों डर जाते हैं और बंदूक नीचे रखकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। साहिल और सौम्या सिमरन की रस्सियां खोलकर अपनी तरफ ले आते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की जान से खेलने का। अब चलो पुलिस स्टेशन, तब बताता हूँ तुम लोगों को। उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सिमरन एक एक जोरदार थप्पड़ उन दोनों के गाल पर जड़ती है। तुम दोनों ने जो किया है उसके बदले में कुछ भी नहीं है। बहुत दिन तुम लोगों से डर डर कर जीली मैं, लेकिन अब नहीं। सिमरन हमें माफ। चुप, एकदम चुप। हिम्मत भी मत करना माफी मांगने की। माफी शब्द तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझे? बेटी, हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली है। अंकल, सिर्फ इनके ही नहीं, बल्कि मैं अपने ताऊजी और ताईजी के खिलाफ भी अपनी माँ को मारने की कंप्लेन दर्ज कराना चाहती हूँ। मैं उस हादसे की चश्मदीद गवाह हूँ। बहुत हुआ ये सब, अब और नहीं। शाबाश बेटी। सिमरन के गवाही के बाद उसके ताऊजी और उनके पूरे परिवार को सजा हो जाती है। सच ही है, हमें कोई कब तक डरा धमका सकता है जब तक हम उससे डरे और झुके। सिमरन की जिंदगी अब एक सही दिशा में जाने लगी थी। एक दिन सिमरन और साहिल कैंटीन में बैठे हुए थे। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना। अचानक तेज हवा से साहिल के कमरे की खिड़की खुलती है और वो अपने अतीत से बाहर आ जाता है। तभी साहिल की माँ उसके कमरे में आती है। अब कैसा महसूस कर रहा है तू? ठीक हूँ। देख बेटा, ये तो मैं समझ चुकी हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है। मेरे इतना पूछने के बाद भी तू नहीं बता रहा तो जरूर कुछ ऐसा है जो तूने अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो तू खुद सोच के क्या कर सकता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तू मुझे खुद बताएगा। और वो वहां से चली जाती है। बताऊंगा माँ, बहुत जल्द बताऊंगा, क्योंकि अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। तभी हमारी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ सिमरन की परछाई आंखों में आंसू भरे बस साहिल को देखे जा रही थी। आखिर क्या हुआ था सिमरन के साथ? कौन सा बोझ है जो साहिल अपने मन पर रखे हुए है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अगला एपिसोड क्लाइमैक्स के साथ होगा। और क्लाइमैक्स क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब हम चैनल सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब बटन दबाने से कुछ नहीं जाता, पर बहुत सारी कहानियां और कहानी लिखने वालों को मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो देर किस बात की, हमारे इस हॉरर सिटी परिवार के साथ एक सदस्य आप भी बन जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।